हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑल एग्ज़ाम गाइड गुरु में। और ये रहा हमारा स्क्रीन पर टाइम टेबल। यहाँ हम आपको कुछ लाइव क्लासेस प्रोवाइडेड कराते हैं, जो मॉर्निंग में सुबह 6 बजे होती है जनरल साइंस की, दोपहर 1 बजे करेंट अफेयर्स की और शाम 6 बजे जनरल अवेयरनेस की। साथ ही साथ हम आपको यहाँ पर स्पीड क्लास भी प्रोवाइडेड कराते हैं, जो कि 30 मिनट्स की होती हैं, वो आपको दिन भर प्रोवाइडेड होंगी। अभी हम यहाँ पर कुछ करेंट्स के क्वेश्चंस पढ़ने वाले हैं, जो टॉप 10 करेंट्स हैं, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट्स हैं। हम उनके फैक्ट्स देखने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। ये रहा हमारा स्क्रीन पर फर्स्ट क्वेश्चन। आंध्र प्रदेश तथा तेलंगाना को अलग अलग उच्च न्यायालय मिला है। आंध्र प्रदेश तथा तेलंगाना को अलग अलग उच्च न्यायालय मिला है। हमारी गवर्नमेंट ने क्या किया है, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना को अलग अलग उच्च न्यायालय दे दिया है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा स्क्रीन पर। मध्य प्रदेश सरकार ने एक अध्यात्म विभाग बनाया। मध्य प्रदेश सरकार ने क्या बनाया है, एक अध्यात्म विभाग की स्थापना की है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा स्क्रीन पर। न्यायमूर्ति TBN राधाकृष्णा ने तेलंगाना के प्रथम मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। आप सभी बताइए, तेलंगाना के प्रथम मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है, तो न्यायमूर्ति TBN राधाकृष्णा ने। किसने ली है, न्यायमूर्ति TBN राधाकृष्णा ने। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा स्क्रीन पर। वीके यादव रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त हुए हैं। आप सभी जानते हैं, अभी रेलवे का एग्जाम नियर है, तो ये क्वेश्चन हमारे लिए कितना इम्पॉर्टेंट है। तो आप सभी हमें बताइए, रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन है, तो वो हैं वीके यादव। कौन है रेलवे बोर्ड का नया अध्यक्ष, वीके यादव। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा स्क्रीन पर। अमिताभ चौधरी ने एक्सिस बैंक के MD और CEO के रूप में पद ग्रहण किया है। आप सभी बताइए, एक्सिस बैंक के CEO कौन है या एक्सिस बैंक के MD कौन है, तो वो हैं अमिताभ चौधरी। कौन है, अमिताभ चौधरी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा स्क्रीन पर। हर्षवर्धन श्रृंगला को अमेरिका में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। आप सभी बताइए, अमेरिका में भारत का राजदूत किसे नियुक्त किया गया है, तो वो है हर्षवर्धन। कौन है, हर्षवर्धन। अमेरिका में भारत का राजदूत कौन है, किसको नियुक्त किया गया है, हर्षवर्धन को। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा स्क्रीन पर। WB रमन को भारतीय महिला क्रिकेट टीम का कोच नियुक्त किया गया है। अभी क्या हुआ है, हाल ही में भारतीय महिला क्रिकेट टीम का कोच किसे नियुक्त किया गया है, WB रमन को। किसे किया गया है, WB रमन को। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा स्क्रीन पर। लुगा मैड्रिक ने जीता बाल्कन एथलेटिक ऑफ द ईयर अवार्ड 2018। तो बाल्कन एथलेटिक अवार्ड किसने जीता 2018 का, लुगा मैड्रिक ने। किसे जीता, लुगा मैड्रिक ने। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा स्क्रीन पर। सितार वादक मंजू मेहता राष्ट्रीय तानसेन अवार्ड से सम्मानित हैं। आप सभी बताइए, हाल ही में राष्ट्रीय तानसेन अवार्ड किसे मिला है, तो वो मिला है मंजू मेहता को। किसे मिला है, मंजू मेहता को। वो क्या है, एक सितार वादक हैं। क्या है मंजू मेहता, सितार वादक हैं। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा स्क्रीन पर। बॉलीवुड अभिनेता कादर खान का हाल ही में निधन हो गया है। कौन से बॉलीवुड अभिनेता हैं जिनका हाल ही में निधन हो गया है, तो वो कौन है, कादर खान। कौन है, कादर खान। चलिए अब हम कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। चलिए देखते हैं कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स।
भारत टीम ने कप्तान विराट कोहली के नेतृत्व में इस साल टेस्ट में अच्छा प्रदर्शन करते हुए नंबर वन स्थान अपने पास ही रखा है। तो किसने रखा है, भारतीय टीम के कौन कौन किसने रखा है, विराट कोहली जी ने, जो कौन है भारतीय टीम के कप्तान हैं, वो अभी भी नंबर वन खिलाड़ी हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, ये रहा स्क्रीन पर। एशिया एयरगन चैंपियन में मनु सौरभ की जोड़ी ने बनाया विश्व रिकॉर्ड। तो एशिया एयरगन चैंपियन में किस जोड़ी ने बनाया है विश्व रिकॉर्ड, तो मनु एंड सौरभ की जोड़ी ने। कौन सी जोड़ी ने, मनु एंड सौरभ की जोड़ी ने बनाया है एशियन एयरगन चैंपियन में विश्व रिकॉर्ड। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, ये रहा स्क्रीन पर। दीक्षा मणि लेडीज यूरोपियन टूर जीतने वाली दूसरी भारतीय गोल्फर। तो आप सभी बताइए, दूसरी भारतीय गोल्फर कौन बनी है, तो दीक्षा। कौन बनी है, दीक्षा। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, ये रहा स्क्रीन पर। क्रिस ग्लेर ने अंतर्राष्ट्रीय वनडे क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। किसने की है अंतर्राष्ट्रीय वनडे क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा, क्रिस गेल ने की है। किसने की है, क्रिस गेल ने। ये था हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन। आप सभी बताइए आपको हमारी क्लास कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर बताइए। और मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ, आप सभी बताइए कि जो तानसेन अवार्ड है वो कौन सी सरकार प्रोवाइड कराती है, तानसेन अवार्ड कौन सा स्टेट प्रोवाइड कराता है। आप सभी को ये पता होना चाहिए कि कौन सी सरकार तानसेन अवार्ड प्रदान कराती है। आप हमें कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, मैं आपको इसका आंसर नेक्स्ट क्लास में प्रोवाइड कराऊंगी। और सभी हमें ये लिखकर बताइए कि आपको हमारी क्लास कैसी लगी। इसी तरीके के आप चाहते हैं आपको 10 टॉप 10 क्वेश्चंस मिलते रहें, हम आपको ज़रूर प्रोवाइड कराएंगे। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, सब नेक्स्ट क्लास में ज़रूर आइए। थैंक यू।